हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अगेन वन क्लचर की मदद से बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बन हेयर स्टाइल। तो आज कुछ डिफरेंट सा बताऊंगी और मैं क्लचर की मदद से बहुत सारे हेयर स्टाइल बता सकती हूँ, लेकिन सारे हेयर स्टाइल में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर है। ऐसा नहीं है कि जो पहले मैंने बताया हुआ है वैसा ही हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो डिफरेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और डिफरेंट को समझिए। आप इसी एक हेयर स्टाइल टूल से कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते हो। स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए जिसका नाम है प्रीत तिवारी 2। वहाँ पर स्किन से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगे, स्किन केयर से रिलेटेड एंड मेकअप से रिलेटेड। तो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा उसके लिए मैं फ्रंट में कोई हेयर स्टाइल नहीं बना रही हूँ, सेकेंड वाले में बनाऊंगी। तो ओनली वन क्लचर की मदद से आप इसको 1 से 2 मिनट में बना सकते हो। और इससे पहले मैंने एक हेयर स्टाइल छोटी बालों के लिए हेयर स्टाइल शेयर किया है जो कि आप बहुत आसानी से कहीं भी बना सकते हो और अपने छोटे बालों में भी बड़ा सा बन क्रिएट कर सकते हो और अपने बालों को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। कहीं आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो और बालों को ओपन नहीं रखना है तो आप उस टाइप का हेयर स्टाइल कर सकते हो जिससे कि आपका लुक बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और बहुत प्यारा लगेगा। तो आज का जो हेयर स्टाइल है, फर्स्ट हेयर स्टाइल में हमको इस तरीके से कॉम करना है, देन अपने आपका जो रबड़ बैंड है उसको आप लगा लीजिए। तो मैं फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक दे रही हूँ। ये आप डेली में बना सकते हो, डेली एवरीडे हेयर स्टाइल बोल सकते हो इसको। इस तरीके से करने के बाद से आपको क्या करना है, आपका जो क्लचर है, मैं बैक साइड से घूम जाती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो इस तरीके से मैं घूम गई हूँ। आपको पहले सिंपली अपने क्लचर को अपने पोनीटेल के रबर बैंड के ऊपर इस तरीके से रख देना है। ओके, समझ में आया, बहुत ईजी है, एवरी डे बना सकते हो। डेली आपको कहीं जाना है ऑफिस वगैरह तो आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। अब जो आपका हेयर स्टाइल है उसको, सॉरी, जो बचे हुए हेयर है उनको सिंपली इस तरीके से अपने क्लचर के चारों तरफ लपेट दीजिए और ये जो आपका लास्ट पॉइंट है हेयर का उसको, क्लचर को इस तरीके से ओपन कीजिए और यहाँ पे दबा दीजिए। और आपका ये छोटे बालों में भी काफ़ी अच्छे से शोल्डर लेंथ हेयर है तो आराम से बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे प्यारा सा आपका बन बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप कहीं भी जा रहे हो, जींस टॉप पहने, आपने सूट पहने हैं, आपको हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब हैवी बनाना पसंद नहीं है तो आप सिंपल सा हेयर स्टाइल करके और लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है, वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो बैक से आपने देखा उस तरीके का लुक है, देन फ्रंट से इस तरीके का लुक है। अगर आपका हेयर जो है बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो आप ऐसे खींच सकते हो। खींचने के से क्या होगा, आपके फ्रंट में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा और आपका लुक थोड़ा और भी अच्छा दिखेगा। आपके अगर लेयर्स लॉन्ग में कटे हुए हैं तो वो निकाल लीजिएगा, उससे आपका जो हेयर है, सॉरी, आपका जो फेस है वो और भी खूबसूरत दिखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में बताऊँगी फ्रंट से भी आपको कुछ डिफरेंट लुक देना है, देन बैक में बन बनाना है, वो भी वन क्लचर की मदद से, जो कि आप पार्टी वगैरह में, ये वाला हेयर स्टाइल तो आप एवरी डे में या फिर छोटी मोटी मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो कर सकते हो, कोई भी ड्रेस हो चलेगा। लेकिन जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो आप पार्टी ड्रेस के साथ भी कर सकते हो और ऐसे भी थोड़ा बहुत आपको हेयर स्टाइल करना पसंद है, थोड़ा अपने बालों को अलग अलग लुक देना चाहते हो तो वो वाला ट्राई कर सकते हो। चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड हेयर स्टाइल है उसमें आपको क्या करना है, अपने बालों को एक साइड पार्टीशन देंगे और ईयर टू ईयर पार्टिंग करके फ्रंट के हेयर को फ्रंट में ही छोड़ देंगे, देन बैक के जो सारे हेयर हैं उनको एक हाई पोनीटेल बना देंगे। तो मैंने फ्रंट के हेयर निकाल लिए हैं, बैक के सारे हेयर्स को मैं कॉम करूँगी और अपने क्राउन एरिया पे एक अच्छा सा पोनी बना लूँगी। और आपको जो रबड़ बैंड अपने लगाया था उसको, रबड़ बैंड को लगा लेना है हाई पोनीटेल बनाते हुए। मेरा हेयर फॉल 100% कंट्रोल हो चुका है। मैंने यहाँ पे इंदुलेखा शैम्पू यूज कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है बालों के लिए, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और हेयर कट मैंने किया था फिलहाल में ही जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिए और स्किन केयर की वीडियो जरूर देखिए मेरे दूसरे चैनल पर। तो अगेन इसमें मैं, जैसे मैंने बनाया है इसको, पोनीटेल को थोड़ा सा लूज करेंगे
देन इसमें एक होल करेंगे इस तरीके से सारे बालों में। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। और जो पोनीटेल का रबड़ है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे और ऐसे खींच लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका क्लचर है उसको यहाँ पे लगा लेंगे सिंपली। ओके, आप चाहो तो अपने रबड़ बैंड के ऊपर भी लगा सकते हो, रबड़ बैंड के ऊपर ही लगाइएगा, उससे जैसे बैक साइड से आपका रबड़ जो है वो दिखेगा नहीं। ओके, अब आपको सारे हेयर को ले लेना है, फ्रंट में लेके आना है इस तरीके से और हल्का हल्का सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए अपने क्लचर को हाइड करते हुए सारे हेयर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस साइड से लाके क्लचर के अंदर इंसर्ट करके अपने पोनी बन को कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं से अनमैनेज लग रहा है तो आप यू पिन लगा सकते हो। तो ओके, इस तरीके से बन जाएगा। अब जो आपका इस साइड का हेयर है इसको आपको इस तरीके से लेना है, देन एक चोटी बना देनी है सिंपल सी। ओके, ऊपर की तरफ से ही बनानी है ताकि जो आपके स्कैल्प है वो दिखे नहीं, मांग ना दिखे आपके बालों के बीच में। तो इस तरीके से बनाना है चोटी को। गाइज आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। गाइज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हो गया क्योंकि मैं अभी बाहर घूमने आई हुई हूँ। तो इस तरीके से बनाना है और बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। अब इस साइड के जो हेयर हैं इनको क्या करना है, सिंपली यहाँ से थोड़ा सा लेना है हेयर को और ट्विस्ट करते जाना है। ओके, बिल्कुल जिनको हेयर स्टाइल नहीं आता वो भी कर लेगा। इस तरीके से ट्विस्ट करना है और पतली पतली लेयर्स लेके इसके साथ मिक्स करते जाना है। अगर आपको फ्रंट में लेयर निकालना है तो आप वो अपने साथ साथ ही निकालते जाइएगा, मुझे नहीं निकालना है। और इस तरीके से बैक में लेके जाएंगे ताकि जो यहाँ की हमारी लाइनिंग है, मांग है, वो ना दिखे हमारे हेयर स्टाइल में। ऐसे पीछे की तरफ लेते जाइएगा। ओके, बैक तक इस तरीके से ट्विस्टिंग करते हुए लेके जाएंगे। पूरा हेयर मैंने ले लिया है और एंड तक इसमें ट्विस्टिंग कर देंगे। जब एंड तक आप ट्विस्टिंग कर लोगे और इसको बैक से ले जाके अपने अपने जो बन बनाया है उसके नीचे से हेयर को सारे को कवर करते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इसको यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तो ये वाला हेयर स्टाइल भी आप छोटी मोटी पार्टीज वगैरह में कर सकते हो। और यहाँ के जो हेयर हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा जिससे कि जो आपका क्राउन एरिया पे अगर पतले बाल हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ पे जहाँ भी आपको अनमैनेज लग रहा है हेयर वहाँ पे आप बॉबी सॉरी यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लीजिएगा। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह पहनोगे तो आपका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेकेंड हेयर स्टाइल? तो आज का जो हेयर स्टाइल था वो था एक क्लचर से दो बहुत ही खूबसूरत से बन हेयर स्टाइल जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इजीली आप बना लोगे। बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आती है तो भी बना लोगे। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। वहाँ पे आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ और जो भी मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज़।